आप कच्चे मकान में रह रहे हो, सरकार वादा कर रही है कि आवास देंगे, आपको मिला नहीं अभी तक आवास। अरे भैया हमको तो 10 साल है गई, जहाँ में बे का कहते हैं फोटो खींच ले गए से करो भाई, और हम तो सगई रात पानी बिलीचता है, सारी रात हमारे बालक सगई रात पानी बिलीच हुआ, सगई रात का कहते हैं बालक जब गिरने को दर्रवा गिर गई दीवान, तो हमारे बालक बच्चे बच्चे सब पीछे आएंगे जहाँ में। नहीं, हर रोज़ से खबर आती है कि मकान कच्चे मकान गिर गए, बारिश पड़ती है, तो आपको डर नहीं लगता इसमें? डर लगा तो वही सही रात बालक दमन को डर लगा, पौधे दमन को डर लगा, सही रात जगह यहाँ तो पानी उलीचे हुआ सही रात। तो अधिकारी आते थे, वो आप फोटो खींच के ले जाते, फिर उस पर वो लिस्ट ने नाम नहीं देते कि आवास आपको अभी तक दिया नहीं है? हाँ ना तो वो भैया 10 साल है गए। अच्छा, तो आप इसी इस मकान में कैसे रहते हैं फिर? कहाँ करें भैया, मजबूरी है रहने, कहाँ करें फिर, रहनी मजबूरी है हमारी। नाम है तुम्हारा? नाम उधर। कहाँ के रहने वाले हो? पति नासिर। अच्छा, आप जो कच्चे मकान में रह रहे हैं, आपने सरकार ने अभी तक आदेश वो आवास नहीं दिया है? साहब आदेश कहाँ थे, तो भीर भीर खींच के ले जाते हैं फोटो, अब कोई सुनवाई ना कर रहा, और एक फिरा तो दीवार गिर गई, बच गए हम सारे बच्चे, अब क्या करें। नहीं, बार बार सरकार दावा कर रही है कि हम आवास दे रहे हैं गरीबों को, तो आपको अभी आवास नहीं मिला? नाम लोग साहब हैं। कब से रह रहे हो सामने? 10 साल हैं। 10 साल, तो 10 साल से अभी तक आपको आवास नहीं मिला? नाम लो। तो बारिश पड़ती है, गिरने का खतरा रहता है, फिर कैसे रहते हो भाई बच्चों को लेकर के? अरे क्या करें साहब, मजबूर हैं। ठीक। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।